अगर ये चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो, स्वागत है आपके चैनल वेल्थ ऑन मोर। ये वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे अरविंद लिमिटेड के बारे में। आज स्टॉक में अपर सर्किट लगा था 127.50 पे। ऐसा क्या है ये स्टॉक में जिसके कारण इसमें आज अपर सर्किट लगा, आगे के लेवल क्या हो सकते हैं और उसका फंडामेंटल एनालिसिस हम ये वीडियो में करेंगे। मैंने अभी चार्ट ओपन किया अरविंद लिमिटेड का, तो आप देखोगे ये स्टॉक अराउंड ट्रेड किया करता था 300 के लेवल्स पे, बट डीमर्जर हुआ एंड उसके कारण स्टॉक में गिरावट हुआ था और स्टॉक ने बॉटम बनाया था 17 रुपीज का। 17 रुपीज से स्टॉक ने कंटिन्यूअसली रैली लगाया है अराउंड 127 का आज उसने हाई लगाया जो 52 वीक हाई भी है। तो मुझे लगता है ये रैली अभी और कंटिन्यू हो सकता है क्योंकि आज इसमें अपर सर्किट लगा है। यहाँ पे एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक और ये बॉक्स में से निकल के आज उसने अच्छे वॉल्यूम के साथ उसको ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक में और रैली कंटिन्यू हो सकता है। और अगर मैं मंथली चार्ट यहाँ पे लगाऊँ तो यहाँ पे उसने हाई था अराउंड ऑल टाइम हाई उसका 473, एक ही दिन में उसने जो गिरावट दिखा दिया अराउंड 320 से लेके उसने 95 रुपीज़ का। तो ये कुछ कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ये गिरावट हुई है स्टॉक में यहाँ पे। तो इसके कारण ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और उसने 17 का बॉटम बनाया कोरोना के टाइम में, देन कोरोना के बॉटम से अभी उसने हाई लगाया 127 रुपीज़ का। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करते तो एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है और उसका करंट प्राइस है 128, बुक वैल्यू 105। तो बुक वैल्यू से ज़्यादा टाइम्स ये स्टॉक ट्रेंड नहीं कर रहा है। आरओई उसका नेगेटिव है, आरओसी उसका 4.62 है, फेस वैल्यू 10 है, मतलब अभी स्टॉक में स्प्लिट है। मैंने मैक्स का चार्ट यहाँ पे लगाया है जो मैंने अभी रिसेंटली दिखाया आपको, तो 52 वीक में अभी हाई दिखा रहा है ये 152 का जो जीरो दा पे अलग दिखा रहा है शायद, बट वहाँ से स्टॉक अभी 127 पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये 150 का लेवल भी इजिली अचीव कर सकता है। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस में अगर हम बात करते हैं तो कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट एक भी नहीं लेकिन नेगेटिव पॉइंट बहुत सारे। लाइक आप यहाँ पे देखोगे तो उनका प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रिड्यूस हुआ है उनका, इवन जो उन्होंने प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट किया है यहाँ पे उन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है 3.83 इन जून के क्वार्टर में। आप यहाँ पे देखोगे कि ये कंपनी पहले प्रॉफिट किया करता था 47 करोड़ का, अभी उसने 31 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। प्रॉफिट में जंप थी यहाँ पे, बट आप देखोगे कि ये जंप भी ऐसे कांस्टेंट नहीं है। लाइक ये बढ़ गया था 407, देन 445, देन यहाँ पे 168, तो कंसिस्टेंसी नहीं है या सच कुछ फंडामेंटल्स में कुछ अच्छा तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे यहाँ पे। बट यहाँ पे उसने अभी रिसेंटली लॉस में बट अभी उसने रिसेंटली यहाँ पे लॉस पोस्ट किया है। कंपनी पे जितना लायबिलिटीज है उतना ही उसका एसेट है, तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। एफ आई एस का स्टेक यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, डीआईएस का स्टेक कम हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक के पास 35% है और प्रमोटर के पास 42, अराउंड 75% स्टेक तो अराउंड 75% स्टेक तो प्रमोटर्स और पब्लिक के पास। एफ आई डी एस पे तो वेरी स्मॉल स्टेक है, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक कम किया है लाइक 3% से कम किया है, जो अच्छी बात नहीं है। कैपेरियल ब्रांड्स रिटेल तो टेक्सटाइल सेक्टर की ये कंपनी है जो मुझे लगता है कि फंडामेंटली कुछ स्ट्रांग नहीं है, बट सेल्स अभी इसमें मूवमेंट आ रहा है तो आप ये मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो अभी इसको सलाह नहीं दूंगा क्योंकि सेल्स कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉस रिपोर्ट किया है। आप एक दो क्वार्टर के रिजल्ट के लिए वेट करो, अगर कंपनी रिजल्ट पॉजिटिव पोस्ट करती है, कुछ अच्छे डेवलपमेंट दिखते तो आप उसमें पोजिशन बना के चल सकते हैं। ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, आपका एनालिसिस खुद करो और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करो। अगर आपको चैनल पसंद आता है दोस्तों तो शेयर करो। थैंक यू।